आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं अपने साथ जिम कॉर्बेट की जर्नी पर। मैं कभी जिम कॉर्बेट पहले नहीं गया, तो हमने फ्रेंड्स फैमिली दोस्तों के साथ एक प्लान बनाया और एक रेंडेवू पॉइंट पे मिले। बड़ी मज़ेदार जर्नी थी। थोड़ा हाईवे का जो ट्रैवल होती है वो मैं थोड़ी जल्दी छोटे शॉर्ट्स में यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ हाईवे ट्रैवलिंग वॉज नॉट वेरी प्लेजेंट। हम यहाँ पे रुके थे बीकानेर वाला पे, इसके बिल्कुल साथ डोमिनोज भी है। बीकानेर वाला आप जानते ही हैं, अच्छा वेजिटेरियन फूड है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी वैरायटी ली थी एंड देन वी हिट द हाईवे अगेन। कुछ देर मैंने ड्राइव करी, कुछ देर विशु ने ड्राइव करी, फिर हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुँच रहे थे। हम तारंगी रिजॉर्ट में ठहरे थे, बहुत सुंदर रिजॉर्ट है, मैंने तो पहली बार देखा। जैसे मैंने पहले बताया, मैं तो जिम कॉर्बेट आया ही नहीं हूँ। दोस्तों के साथ ट्रैवल करके बड़ा मज़ा आता है। फिर चेक इन का टाइम था, मेरे दिमाग में जो शुरू से जिम कॉर्बेट के बारे में एक पिक्चर थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। ये एक मेन रोड है जिसके ऊपर, एक हाईवे की रोड है जिसके ऊपर सारे रिजॉर्ट्स की एंट्रेंस है। मैं कुछ और तरह से सोचता था ये होगा। ये रिसेप्शन एरिया था तरंगी का, वेरी ब्यूटीफुली मेड, बड़ा अच्छा एम्बियंस यहाँ का। हमें जाते ही वहाँ पे एक वेलकम ड्रिंक भी मिला था, वाटरमेलन फ्लेवर का। फिर हमने रूम में चेक इन किया, 204 नंबर था हमारा। अगेन वेरी नाइसली मेड रूम्स, पूल व्यू था हमारा, हमने रिवर व्यू नहीं लिया था। बहुत स्पेशियस रूम, एक एक्स्ट्रा बेड भी लगा हुआ है ऑलरेडी with a balcony and with a garden, big garden in front of it. But अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं शीशे वाला तो मच्छर वगैरह बहुत अंदर आते हैं। सिटिंग एरिया भी था बाहर, आप आराम से बैठ के चाय पिएं, बातें करें, बहुत अच्छा एम्बियंस। बाथरूम वॉज वेरी स्पेशियस, 24 आवर्स रनिंग हॉट वाटर, हेयर ड्रायर, ऑल द प्रोविजंस वर देयर। हमें पहुंचते हुए शाम हो गई थी, तो जिस टाइम हम पहुंचे हैं, सिंस हमने पैकेज लिया हुआ था तो हमारे लिए हाई टी वहाँ पे रेडी थी रिवर साइड पे। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग देयर, तो मैं देखना बहुत ईगर था देखने के लिए कि कैसा व्यू है। काफ़ी स्पेशियस जगह है यहाँ पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी होती हैं। आउटसाइड लिकर इज़ नॉट परमिटेड एट पब्लिक प्लेसेस। एम्फी थिएटर देर, पर यहाँ पे मैंने कुछ देखा नहीं होता हुआ। स्विमिंग पूल हमने काफ़ी यूज़ किया था, काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल था। दिस वॉज द कॉमन स्विमिंग पूल। इनका एक जल विला करके है जिसमें आपको प्राइवेट पूल मिलता है अगर आप वो बुक करें। दिस वॉज द रेस्टोरेंट ऑन द राइट, और यहीं से रास्ता सीधा रिवर व्यू वाले गार्डन की तरफ जाता है। ब्यूटिफुल व्यू था, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गार्डन, और यहीं पर हाई टी का अरेंजमेंट भी था। बीच में ये जगह है जहाँ पे शाम को हमने पार्टी देखी थी एक होती है, यू कुड गो देयर, यू कैन डांस। सिंस इट वाज अ बार, तो वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ये रिवर व्यू रूम्स हैं। दिस वाज द हाई टी। आई डिडंट सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन ईटिंग। जब हम जयपुर गए थे वहाँ पे हाई टी में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिली थी। दोस्तों के साथ मज़ा आता है, जर्नी स्पेशल हो जाती है। ये रिवर में पानी बहुत कम था उस टाइम पे मुझे बताया गया, बट फिर हम अंदर गए जहाँ पे पानी होता है, तो आई सॉ दीज फिशेस ओवर देयर। हम थोड़े स्लोमो शॉट्स तो बनते ही हैं ऐसी जगह पे। एडवेंचर के लिए अच्छी जगह है। इसको आप सोचेंगे मैंने एक नॉर्मल वीडियो को स्लोमो किया है, बट ऐसा नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही शूट किया था। आई विश देयर वाज मोर वाटर, मैं और अच्छी तरह इसको शूट कर पाता सम अदर टाइम। इनको मैंने सर्विस करते हुए देखा रिवर में, इस ट्रैक्टर को। फिर मैंने थोड़ी वॉक करी अराउंड द रिवर साइड, बड़ा साफ सुथरा पानी था, प्रॉब्ली बिकॉज इट वॉज नॉट रेनिंग एट दैट टाइम। एक सुविनियर शॉप भी थी, एंड दिस वॉज द गोल्फ कार्ट जो मैंने यूज नहीं किया। एंड देन देयर वाज द इवनिंग टाइम, जब स्विमिंग का हम सब ने सोचा कि चलिए थोड़ी करते हैं। हमारे भाई साहब हैं, बड़े अच्छा स्विम कर लेते हैं,
अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आता, बच्चों को भी सिखाई वहाँ पे एंड दे वर क्वाइट गुड, जल्दी लर्न कर रहे थे। फिर टाइम था डिनर का, पैनोरामा रेस्टोरेंट था वहाँ पे, वाली जगह डिफरेंट थी, वहाँ हम नहीं गए। रेस्टोरेंट के अंदर लोग थे तो मैंने शॉट्स नहीं लिए वहाँ पे, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा था। सो दिस वॉज वी कॉल्ड इट डे ऑन द फर्स्ट इवनिंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, वी वर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट सिंस दैट वॉज ऑल्सो इन अ पैकेज। जो जल पूल विला के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज दैट। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, हीट हो गई थी काफ़ी। दिस वॉज द ब्रेकफास्ट एरिया। मैंने एक्चुअली मैं खाने के फुटेज नहीं ली बिकॉज वहाँ पे काफ़ी लोग थे और उनको डिस्कम्फर्ट ना हो, जिस वजह से मैंने वहाँ शूट नहीं किया। सो मैं आपको यहाँ पे अपनी ही प्लेट्स दिखाऊंगा। देयर वाज डोसा, उसके साथ कुल्लड़ में चाय थी विच वॉज वेरी नाइस। अ लॉट ऑफ वैरायटी वॉज देयर, वेज एंड एज वेल एज नॉन वेज। और विश्व जी अपना भी एक ब्लॉग बना रहे थे, यू विल सी दैट सून। फिर टाइम था हमारा सुबह जंगल में जाके देखने का कि क्या है वहां पे। रोड्स बहुत खराब थी बट कुछ नैरो भी नहीं बहुत ज्यादा, दो गाड़ियों को भी पास होने में काफी दिक्कत होती थी। हमें होटल से बताया गया था कि आप यहाँ एक सर्टन जगह पे जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में और एक हेलो तो बनती है। हमने उस जगह को ढूंढा, गूगल मैप्स में भी देखा और मार्क्स भी देखे, बट एट अ पॉइंट हमें रियलाइज हुआ हम गलत आ गए थे। सो वी रिटर्न, हमें वो जगह मिली नहीं जहां हमें बताया गया था। कॉर्बेट सफारी हमने नहीं करी बिकॉज हीट बहुत हो गई थी और मिट्टी बहुत उड़ रही थी वहां पे। एंड देन वी वर टोल्ड कि शेर वगैरह नज़र तो आते नहीं हैं, तो फिर आप और हम सिर्फ दो दिन के लिए गए थे। खुद ड्राइव करने में कुछ और ही मज़ा है ऐसी जगहों पर। फिर हम यहाँ पे कॉर्बेट, एक म्यूजियम है जिसको हम सबने डिसाइड किया कि चलिए देखते हैं। बट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी व्हाट वाज इनसाइड, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें, बड़ा मज़ा आया। कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर, टाइगर का जब नाम आता है तो कुछ स्पेशल फील आती है उसके बाद। अच्छा बना हुआ है अंदर, आप अच्छा देख सकते हैं। नॉट अ वेरी गुड साइट दो, शेर का शिकार, आई डोंट लाइक। ये नीचे लिखा था यहाँ पे कि ये एक्चुअल स्किन है शेर की, इसको प्रिजर्व किया हुआ है, और ये उसका एक्चुअल स्केलेटन है, और ये उसका कार्टून। आप शेर का साइज देखें तो इट्स क्वाइट ह्यूज। कभी कभी सोचता हूँ शेर को पता है कि उसे शेर बोलते हैं। अच्छा म्यूज़ियम है, काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, कि रिवर के आसपास का कैसा माहौल होता है विद ऑल दोज वॉर्म लाइट्स। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरी रिफ्लेक्शन है बिकॉज देयर वाज अ कैमरा ऑब्वियसली, और एक एनिमेशन चलती है जिसमें आप गिव्स यू द फील दैट यू आर राइट विद द एनिमल्स ओवर देयर। दिस वॉज अ डियर फीटस, 5 months ओल्ड, जो उनको जंगल में मिली थी। और फिर वहाँ से निकल के लंच का टाइम था जो हमने विलेज वाटिका में किया। लाइट्स विल गाइड यू होम, एब्सोल्युटली। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना हुआ था अंदर से, काफ़ी वैरायटी भी थी खाने की, और हमने जो ऑर्डर किया वो इट वाज वेरी नाइस, दो माइन वाज अ बिट स्पाइसी। सम स्विमिंग शॉट्स अगेन इन द इवनिंग। मैं गोप्रो लेके गया था तो मैंने उसको अंडर वाटर ट्राई किया, बट द वाटर वॉज वेरी हेजी एट दैट टाइम, आई डोंट नो व्हाई। आफ्टर दैट इवनिंग दिस वाज द नेक्स्ट, दिस वाज एक्चुअली आवर लास्ट डे। जिस दिन हमने चेकआउट करना था तो ब्रेकफास्ट टेबल पे ये शॉट्स मैंने लिए। इन भाई साहब को पानी देते हुए देख के हमें याद आया कि गाड़ियाँ धुलनी चाहिए, हालांकि ये आइडिया मेरा नहीं था। इस जगह पे हमने 100 रुपये पर कार दिया, जैसे प्रॉपर कार वॉश हुई, क्योंकि प्रीवियस डेज में गाड़ी चला के बहुत मिट्टी हो गई थी उसके ऊपर, बहुत डस्ट, बहुत गंदी गाड़ियाँ हो गई थी।
इसके बाद गाड़ी की सर्विस हो गई फुल। जब गाड़ी चमक जाती है तो बहुत सुंदर हो जाती है। टाइम टू मूव। ट्रेन्स का मैं बहुत शौकीन हूँ, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था। तो एक क्रॉसिंग हमें बंद मिली तो मैं क्विकली बाहर गया और मैंने ये शॉट लिया। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा हिल गया था क्योंकि वो जो इंजन ड्राइवर थे वो कॉन्स्टेंटली हॉर्न कर रहे थे और मैं उसके सामने खड़ा था। ड्राइविंग टूवर्ड्स होम अगेन। कुछ चीज़ें हाईवे पे बड़ी मज़ेदार होती हैं जब आप उनके शॉट्स लेते हैं, फिल्मों में नज़र आते हैं, जैसे ये गन्ने का ट्रक। फिर एक गांव के बीच में से हम निकले तो ये दुकानें लगी हुई थी वहाँ पे। एंड देन मुझे गन्ने का रस पसंद तो है बट मैं पीता नहीं हूँ, बट मैंने कहा चलिए एक शॉट तो लेते हैं। हमने उनसे ख़रीदा और पिया भी और लगे हाथ मैंने थोड़े शॉट्स भी लिए उसके। बचपन में बहुत पिया है, अब तो डाइजेस्ट नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं ऐसे ही अपनी जर्नीज़ की वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।